Good morning, dear children. I am back with MCB chapter 8 The Pretty Peacock. Pretty means beautiful. Beautiful peacock. And children, tell me which is our national bird? Pe the peacock is the national bird of India because of beautiful. Before starting the chapter, let's do the activity Chuk Chuk. The peacock. Is the national bird of India? It is greenish blue in color. It is a beautiful bird. It has long feathers in its tail. When the peacock spreads its tail, the feathers in it look like a big, colorful fan. Children, you know. पिको जब अपने फैदर्स को फैलाता है तो वो बहुत सुंदर लगता है और जब वो रेनी सीजन में डांस करता है तो सबको अट्रैक्ट करता है लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ पिकॉक फैदर दिस इज अ पिकॉक फैदर हैव यू सीन येस एंड इफ यू हैव नॉट सीन लुक एट दिस पिक्चर अंडरलाइन द कलर्स दैट यू कैन सी ऑन द फैदर सी दिस पिक्चर एंड Colors underline. There is white color? No. Green? Yes. We should underline. Orange? Yes. Pink? No. Yellow? Yes. Underline the yellow. And blue. Okay, children. Let's start the chapter. Aesop was a storyteller who lived many years ago.

अपने जो हमें गॉड ने गिफ्ट दिए हैं लेट्स रीड फार अवे इन द जंगल फार अवे मीन्स बहुत दूर जंगल में देअर लिव्ड अ पीकॉक हु लिव्ड हुर वॉज अ पीकॉक ही वॉज वेरी प्रिटी बट ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद वॉइस पीकॉक बहुत सुंदर बर्ड है ना बहुत सुंदर दिखता है उसके लॉन्ग फैदर बड़े कलरफुल हैं बट क वॉज नॉट हैप्पी विद हिस्स वॉइस अपनी वॉइस से हैपी नहीं था ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज डेज कंप्लेनिंग कंप्लेन करता था गोड से सारा दिन अबाउट हिज हार्श वॉइस हार्श मीन बैड और रफ उसको अपनी ऐसे लगती थी जैसे बहुत बैड है तो दैट्स वाई इट वॉज नॉट है

डियर फ्रेंड पीकॉक ये बात सच है कि आप गाना नहीं गा सकते हो बट अपनी तरफ देखो तो सही कि आप कितने सुंदर हो हाउ ब्यूटिफुल यू आर आपके फैदर कितने सुंदर हैं आप जब उसको स्प्रेड करते हो तो वो फैन की तरह दिखाई देते हैं आप उदास मत हो अपनी वॉइस को लेकर कि आपकी वॉइस बैड है तो आपको उदास होना है बट यू ऑल वेरी ब्यूटीफुल अब फॉक्स की बात सुनकर पीकॉक ने क्या कहा डियर वट गुड इज ऑल दिस ब्यूटी विद सच एन अनप्लेजेंट वॉइस सेट द पिकॉक अब इतना सुंदर शरीर तो है बट अगर वॉइस ही अच्छी नहीं है तो मैं क्या करूं इस सुंदर शरीर का मुझे नहीं पसंद मुझे तो वॉइस ही चाहिए द फॉक्स थाट फॉर समाइम अब फॉक्स एक मिनट चुप हो जाता है और सोचने लगता है एंड देन सेड ईच वन हैज हिज ओन स्पेशल गिफ्ट कह रहा है गॉड ने सबको अपना अपना एक स्पेशल गिफ्ट दिया है किसी की वॉइस सुंदर है किसी की बॉडी सुंदर है किसी की आवाज़ सुंदर है है ना तो इसी तरह सबकी अपनी अपनी क्वालिटी और सबके पास अपना स्पेशल गिफ्ट है तो डोंट वरी आपको उदास नहीं होना है यू आर वेरी ब्यूटिफुल कह रहा है जैसे आप बहुत सुंदर हो वैसे द नाइट एंगल एक नाइट का बर्ड जो बहुत मीठी आवाज़ में गाता है हैज़ अ लवली वॉयस उसकी वॉयस सुंदर है आउल हैज अ शार्प आइज आउल की आइज शार्प है एंड द ईगल इज वेरी स्ट्रोंग और ईगल बहुत स्ट्रांग है अब फोक्स उसको अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग क्वालिटीज बता रहा है कि सबके पास गॉड ने अलग अलग गिफ्ट दिए हैं इवन यू इफ यू हैड अ लवली वॉयस डियर फ्रेंड अगर आपके पास सुंदरता भी है और वॉयस भी है यू वुड स्टिल फाइंड समथिंग एल्स टू ग्रम्बल अबाउट कह रहा है फिर आप कुछ और अपने में कमी निकाल लोगे की मुझमें शार्प आइज क्यों नहीं है या मैं ईगल की तरह स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हूँ तो कह रहा है भगवान ने जो भी दिया है हमें उसमें हैप्पी रहना चाहिए फ्रॉम दैट डे अब पिकॉक को फॉक्स की जो बात थी समझ आ गई कि फॉक्स तो बिल्कुल सही कह रहा है फ्रॉम दैट डे अब उस दिन से पिकॉक नेवर कम्प्लेन पिकॉक ने कभी कंप्लेन नहीं की गॉड से नाव पिकॉक पिकॉक इज वेरी हैप्पी विद हिज ब्यूटिफुल विंग्स ही नाउ वॉक प्राउडली अब वो बहुत हैप्पीली बड़े कॉन्फिडेंटली अपने बर्ड्स को फैदर को शो करता है डिस्प्लेइंगज़ ब्यूटिफुल फैदर अब वो इस बात को भूल गया था कि मेरी जो वॉइस है वो अच्छी नहीं है वो इस बात को सोचता था कि मेरे तो फैदर इतने सुंदर है मैं ही इतना सुंदर हूँ है ना तो हमें कभी भी अपने आप से नाराज नहीं होना और दूसरों को देख के भी दुखी नहीं होना हमें भगवान ने जौन सा गिफ्ट दिया है हमें उसी में ही हैप्पी रहना है अच्छी लगी ना स्टोरी बच्चों आई होप यू इंजॉय द स्टोरी यू एंड अंडरस्टूड ओके बाय बाय थैंक यू हैव अ नाइस डे